अजीत अलावा जब मरेगा तो भाजपा में मरेगा। नहीं, कोई हताशा नहीं है, तो चलता रहता है राजनीति में। अब ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे मैं होने भी नहीं दूंगा, और जो कार्यकर्ता वो भी नहीं होने देंगे। सारी की सारी गलती शमशेर खरकड़ा की है। भविष्य में भाजपा का और नुकसान से बचाने के लिए इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ टिकट कटनी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम महम ऐतिहासिक चौबीसी चौबूतरे के ऊपर मौजूद है। और आप सभी को पता है कि चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, और कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें या निर्दलीय की बात करें, हर कोई जो है अपनी दावेदारी ठोक रहा है। आज हमारे साथ अजीत अलावत जी जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता। अजीत जी, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके सभी चैनल के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अजीत जी, इससे पहले भी आपके ढेर सारे इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज सीधी सीधी बात करेंगे। जो बगावती सुर आपके पहले थे, अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अहम हल्के नेता को लेकर एक बयान दिया है कि आने वाले समय में उनको टिकट मिलती है तो कड़ा विरोध किया जाएगा। अजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप भी टिकट की मांग कर रहे हो, क्यों आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे? देखिए, लगातार मैं 24 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको पूरा करके दिया है। और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा, खेल प्रदेश उपाध्यक्ष रहा 2 बार, और लगातार जो राम सेतु आंदोलन हुआ उसका मैं पूरी विधानसभा का महम का प्रमुख था। उसके बाद गोग्राम रक्षा आंदोलन हुआ उसका मैं प्रमुख था। तो लेकिन वो पार्टी मुझे आदेश दिया कि आप चुनाव लड़ी, मैंने चुनाव लड़ा तो बीच में रह गया था। तो उससे पहले मैं पदों पर रहा हूँ लगातार काम करते करते, और अब लगातार 200 कार्यक्रम हुए हैं। आप एक बात बताइए, किसी और जो भी टिकटार्थी हैं, किसी के 200 कार्यक्रम हुए हैं, उनसे आप कभी उनका इंटरव्यू करते पूछ लीजिए उनसे। तो लगातार पूरा गाँव मेरा बड़म्बा है, मैम है 12,000 गाँव बड़म्बा की वोट, 18,000 मैम की। सबसे ज्यादा वोट खड़ा था अजीत अलावत खड़ा है, सबसे प्रबल दावेदार भाजपा में है तो अजीत अलावत है। अच्छा अजीत जी, हिमालय के अंदर हम बात करें, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो सीएम के प्रोग्राम की बात करें या किसी मंत्री के प्रोग्राम की बात करें, कभी भी आपको स्टेज पर वो मान सम्मान नहीं मिला, के लिए आपने जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत की नहीं। अब यह परिस्थितियां ऐसी बनी कि जो वर्तमान प्रत्याशी हैं, इनको हमेशा एक खतरा रहता था कि अजीत अलावत उनको बीट कर सकता है, क्योंकि मैंने 2009 में चुनाव लड़ा था। और लगातार संगठन की मातृ संगठन से हमने बहुत कुछ सीखा है, और उसी लिए यह महम परिस्थितियां पैदा हुई हैं। अब मैं हमेशा खुल करके कहता हूँ, और आज भी कहता हूँ आपके माध्यम से, अगर शमशेर खरकड़ा चुनाव लड़ते हैं तो मैं और मेरे समर्थक उनका सहयोग नहीं करेंगे। हमेशा मैं तो 2.5 साल से लगातार ये बात कह रहा हूँ, और फिर जो उनको टिकट देने वाले जाने और लेने वाले जाने। अच्छा अजीत जी, उन्हीं समर्थकों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन समर्थकों का आप बार बार जिक्र करते हो कि मैं और मेरे समर्थक जो है अगर इस नेता को टिकट मिलती है तो उसका विरोध करेंगे, उन समर्थकों को लेकर आज तक महम के अंदर कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा गया। ये देखिए, परिस्थितियां नहीं बनी बड़े कार्यक्रम की, और अब तो समय भी नहीं है। कई बार जैसे बातचीत हुई लेकिन बन नहीं पाया। 10 साल के अंदर अजीत जी एक बार भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि हाँ आप अपनी ताकत दिखाओ? नहीं, ताकत का मतलब ताकत से आप जैसे कार्यक्रम होते हैं, अब ये एक पैटर्न हर जगह नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आप बात कह रहे हैं, तो ये रैलियां करनी जरूरी है। जो रैलियां करते हैं उनसे जिन्होंने की हैं उनका परिणाम आपने महम हल्के में देख लिया है। तो ये बड़े कार्यक्रम में जो समर्थन मिलना चाहिए, जो बेसिक, नहीं मेरी बात सुनिए, बेसिक जो बेस है इंसान का, किसी कार्यकर्ता का, राजनीतिक कार्यकर्ता का, वो होना चाहिए। और वो बेस मेरा सबसे मजबूत है, और कार्यक्रम लगातार किए हैं, पार्टी ने जो जिम्मेदारियां दी हैं वो मैंने पूरी की हैं, और लगातार 24 साल से लगातार करिए। तो इससे ज्यादा और फिर एक टिकट के लिए और विधायक बनने के लिए और क्या चाहिए? अच्छा अजीत जी, आप बोल रहे हो कि और भी ऐसे टिकटार्थी है जो टिकट मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी के बारे में भी आप एक बात बताओ कि आज तक जो मेहनत, अभी भी राजा अलावत की बात करें या फिर शमशेर खरकड़ा जिनका आप लगातार विरोध कर रहे हो, किसी ने भी उनके बराबर एक भी कोई ऐसा प्रोग्राम किया हो जिससे कि पार्टी को लगे कि हाँ वाकई जो है समर्थक भी इनके साथ है और अब की बार जो है टिकट भी इनको देनी चाहिए? देखो पुराने कार्यकर्ताओं की बात करें तो अजीत जी आप नो डाउट देखो पुराने कार्यकर्ता हो, लेकिन आपकी तरह और भी बहुत सारे जो है पुराने कार्यकर्ता है, तो फिर तो किसी को भी टिकट मिल जाए। लेकिन पार्टी और जो आज का समय कहता है वो सभी ये देखते हैं कि कौन किसके साथ कितने लोग हैं और ये पार्टी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप किस मेहनत की बात कर रहे हैं? आप शमशेर खरकड़ा गए या महम की बात बताता हूँ, कम से कम मैंने मीटिंग की है और वो तो मीडिया में भी लगी है, अखबारों में खबरें आई है, कम से कम 400 कार्यकर्ता उनका हमेशा विरोध करते रहे हैं।
तो फिर उनके साथ आप किसको मतलब ये कार्यकर्ता अजीत जी आज तक एक साथ दिखाई नहीं दिए कभी भी। मेरी बात सुनिए, अब मैंने मीटिंग की उसमें 60 कार्यकर्ता मैंने अलग अलग बाई नेम उनके नाम गिनवाए थे, अखबारों में खबर लगी थी। अब 60 कार्यकर्ता वो महामंडल की बैठक थी और इसी तरह 3 मंडल हैं, आप काउंट करके देख लीजिए कितने बढ़ते हैं। और कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो घर बैठे हुए थे, अब जब चुनाव आएगा तो पार्टी उनको बाहर निकालेगी तो वो फिर किसके साथ क्या करेंगे वो। तो वो ऐसा इतना विरोध जितना शमशेर खरकड़ा का है और परिवारवाद का जो बढ़ावा देने का, इसे आप कार्यकर्ताओं की बात छोड़िए यानी जनता भी नाराज है इस बात से। तो इसका जो परिणाम है पहले से घोषित है और उनको भी पता है। तो ये मेहनत वाली बात है, जब कहाँ मेहनत किया, मेहनत करते तो ये मेहनत जो समस्याएं बनी हुई हैं, पानी की समस्या है, नालों की समस्या है, जो ये अपना तालाबों की समस्या है, जो रोडों की जो कंट्रोवर्सीज हुई और जो लोगों में नाराजगी हुई और जो पिछले लोकसभा चुनाव में अरब, तो आपको मैं बता दूँ गाँव खरकड़ा भी उनसे अब जो स्थिति है सब जानते हैं, मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा ये बात, गाँव भी नाराज है, कार्यकर्ता भी नाराज है, लोग भी थक चुके हैं। अब 4 चुनाव हारने के बाद जब कितना गोल्डन समय था जो भाजपा का, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए, विधायक नहीं बन पाए, हमने तो पूरा कंधे से कंधे मिला करके। अच्छा, अजीत जी जो समस्या आप गिना रहे हो, जो जमीन अजीत अलावा तो उसके साथियों ने तैयार की, उसी पे आके शमशेर खरकड़ा तैयार हुआ। अब ईमानदारी से बताइए कि ये काम जो होने चाहिए थे वो किसको करवाने चाहिए, दो दो यहाँ के सांसद रहे हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं, किसकी जिम्मेवारी बनती थी? नहीं, सीधी सीधी जिम्मेदारी, ठीक है आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन सीधा सीधा बजट शमशेर खरकड़ा के पास आया तो वो काम इनको करने चाहिए थे, क्योंकि विधायक बनने की लालसा इनको है, वो तो ऑलरेडी जो पर्दों पर अपना काम करते हैं। अब जिसकी बात आप करूँ, नहीं मेरी बात आज आज जो मैं मेरी बात सुनिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं उनकी पूरे हरियाणा प्रदेश की और 10% पूरे हिंदुस्तान की उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। और जब हिंदुस्तान की कैसी जिम्मेवारी होगी? नहीं, आप जिसकी बात करें उसकी वो 10% में वो आता है, आप प्रोटोकॉल देख लेना। तो पूरी जिम्मेदारी जब ये व्यक्ति चुनाव लड़ता है और जिसकी इच्छा विधायक बनने की है, जब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो फिर ये दोष किसको देंगे? अजीत जी, आप में शमशेर खरकड़ा में आप बोलते कि आपने भी 200 प्रोग्राम किए हैं, आप में शमशेर खरकड़ा में या फिर मैं एक और टिकट आती है मैं सतीश दास जी, इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो फिर भी आप में भी विधायक बनने की तो लालसा आप लोगों में भी है, लालसा है, इसीलिए काम करते हैं। और पूरा अजीत अलावा जैसा कार्यकर्ता देखो दिन रात मेहनत करके, और जो जमीन अजीत अलावा तो उसके साथियों ने तैयार की, उसी पे आके शमशेर खरकड़ा तैयार हुआ है, उसके ऊपर चुनाव लड़े हैं और हमने भी कंधे से कंधा मिला करके साथ दिया है। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब जैसे टिकट के लगातार दावे कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं, अगर बार बार कहता हूं कि हर कार्यकर्ता और बहुत सी जनता, तकरीबन जो महम की जनता है, गांव भी अब इनसे थक चुका है, तो ये सवाल और ये जवाब पूरा महम हल्का जानता है। अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो आप लिख के ले लीजिए 25,000 से ये निकलेंगे नहीं और तीसरे स्थान पर रहेंगे। अच्छा जी जी, आप इतना विरोध कर रहे हो, आपके और से भी साथी है, वो खुल के फिर सामने क्यों नहीं आ रहे जब इतना विरोध है? नहीं, साथी देखिए वो कार्यकर्ता है, अब समय आएगा तो वो रहे हैं, हमेशा बोलते हैं, आप कहिए, आप सर्वे करवा लीजिए ना, आप सर्वे करा लीजिए कौन विरोध में है, कौन पक्ष में है, तो आप अपने आप पता चल जाएगा कितना विरोध है। अजीत जी, आपने अभी जिक्र किया था सड़कों की बात की, पानी की बात की, और भी बहुत सारी समस्याओं का जिक्र किया, मानते हो ये सारे काम नहीं हुए? नहीं बिल्कुल, सरकार ने तो जैसे भाजपा सरकार में क्या है कि जो चुनाव लड़ता है उसको विधायक का दर्जा दिया जाता है, अब बजट देना सरकार का काम है, काम करवाना उस प्रतिनिधि का है, जो राजनीतिक प्रतिनिधि है, अब वो फेल होगा तो सरकार क्या करेगी, तो मुख्यमंत्री थोड़ी वो सड़क बनवाने आएंगे। आप मानते हो इसके पीछे जो है फिर तो कहीं ना कहीं उन सांसदों की भी जो है फेलियर रही है, जो यहाँ पे जो है पदभार संभाले हुए थे, लेकिन इसके लिए एक अगर कोई नेता इतना हैवी हो जाता है कि पूरे हल्के में कहीं काम नहीं होने देता, फिर तो कहीं ना कहीं उन नेताओं की भी कमी है, क्योंकि आप जो जिक्र कर रहे हो उन्हीं नेताओं को फिर एक साथ मंच पे साझा देखा जाता है और कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, तब उनको नजर नहीं आता कि हाँ ये काम नहीं हो रहा, फेलियर है हमारी सरकार को, इसका आने वाले समय में चुनाव में नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये देखिए क्या होता है, पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, अब सीधे सीधे वो ये मानते हैं कि वे काम जो जनप्रतिनिधि है यहाँ का जिन्हें चुनाव लड़ा है उसकी जिम्मेदारी बनती है, तो ये रहता है पार्टी में तो ये समस्या रही है और इसको हाईकमान भी जानता है और हमारा प्रदेश का जो नेतृत्व वो भी जानता है, तो इस प्रकार का जो वातावरण बनाया गया उसके लिए शमशेर खरकड़ा ही जिम्मेदार रही। अच्छा अजीत जी, एक और सवाल, आप बोल रहे हो ऊपर जो सरकार के अंदर जो है जो लोग बैठे हो, जो मंत्री बैठे हुए हैं उच्च पद पे जो बैठे हो, उन सबको पता है कि हाँ
ये सब हो रहा है, लेकिन फिर आपके मन में अभी से इतना डर क्यों है? हो सकता है ये टिकट आपके हिस्से में आ जाए, एक नेता का विरोध कर रहे हो, आने वाले समय में अगर आपकी झोले में टिकट आ जाती है उस नेता का भी तो आपको साथ चाहिए होगा। नहीं देखिए, परिस्थितियां इसकी बनाई है, अब इसकी इन परिस्थितियों जो नकारात्मक परिस्थितियां मैं मलके में बनी है, इसके लिए शमशेर खरकड़ा ही जिम्मेदार है, उसके परिणाम सभी को भुगतने पड़े। आप जो है मुद्दों के अजीत जी, आप जो है, मैं महम के किसी भी मुद्दों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक टिकट की बात कर रहा हूँ। आपको एक तरफ आप ये कह रहे हो कि हाँ कि महम के अंदर ये काम होने चाहिए थे, ये नहीं हो पाए, उसके जिम्मेदार जो है सीधे सीधे शमशेर खरकड़ा को बता रहे हो। अब जब टिकट की बारी है तो अभी से आपको क्यों लगता है, क्यों आपके मन में डर है कि ये टिकट जो है फिर से शमशेर खरकड़ा की झोले में जाएगी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको खुल के इतना विरोध करने का कहाँ आपको इतनी जरूरत आ गई? नहीं देखिए, क्या है कि अब डर वाली बात नहीं है, अब पीछे दो चुनाव लड़े हमने तो सीधा सीधा सवाल है, देखो मैं टिकट की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके मन में डर है, आपके मन में आपको जवाब दूंगा क्योंकि दिन रात हमने मेहनत करके यहाँ बीजेपी का जो प्लेटफॉर्म तैयार किया। अजीत जी सुनो, मैं सीधा जवाब मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, लंबा निकल। अजीत जी सुनो सुनो, घुमाने की जरूरत है नहीं सवाल को, आपने इतनी मेहनत की, आपने 200 कार्यक्रम किए पार्टी के ऊपर सारे, इनको देता हूँ उसी का जवाब देता हूँ, क्योंकि अगर शमशेर खरकड़ा इस बार चुनाव लड़ते हैं तो उनका कहिए 25,000 से निकलेंगे नहीं, और 25,000 से नहीं निकलेंगे तो आने वाले भविष्य में भाजपा का और नुकसान से बचाने के लिए, इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ, उनको टिकट कटनी चाहिए। और मैं अपनी बात नहीं करा, और भी कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दे, हम कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देंगे, और नुकसान ना हो, हमने जो मेहनत की है वो बेकार न चली जाए, इसीलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। जो गलतियां हैं, जो व्यक्ति गलती करता है, कोई ना कोई तो बताइए, तो कोई ना कोई तो बताइए, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, जो मैं मलके में हो रहा वास्तव में वो लोगों तक और पार्टी तक पहुंचना चाहिए। अजीत जी क्यों ना, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये सब हो रहा है और गलत हो रहा है, मन में डर भी है, तो जितने भी टिकटार्थी है, और भी टिकटार्थी है या फिर और भी समर्थक है, अब चुनाव का समय, अब इस समय आप लोगों को, आपके साथ तो पूरा का पूरा जो समर्थक है, अब इस समय इकट्ठे करके एक बड़ी मीटिंग आज कल में इन करके फिर आप पार्टी को क्यों नहीं दिखाते कि हाँ वाकई में मैम में विरोध हो रहा है, लोगों को भी लगे हाँ वाकई में अजीत जी सही बोल रहे हैं। जाते मीटिंग की बात, अभी तो वो समय है कि जैसे और साथी चाहेंगे तो हो सकती है, तो अगर मैं जितना एग्रेसिव मैं हूँ इस बात को लेकर के, अगर और भी साथी हो तो उसका परिणाम अलग हो सकता है। मैं जितना एग्रेसिव मैं हूँ इस बात को लेकर के, अगर और भी साथी हो तो उसका परिणाम अलग हो सकता है, ये नो डाउट, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, उनको सिर्फ टिकटें ही चाहिए। तो अजीत अलावत कर रहा, मैं अपना फर्ज समझ के कर रहा हूँ, मैं तो मैं मलके की जो भाजपा है उसको बचाने में लगा हुआ हूँ। अब अगर उस तरह जो मामला बनता है तो उसे आप देख लेना, आप भी यही, मैं भी यही, कितना नुकसान होगा आप देख लेना, मैं मेरे से नुकसान नहीं होगा, मैं हम कैसे नुकसान कर सकते हैं, हम तो लगातार उस व्यक्ति का दो योजना साथ दिया है। अब अगर एक वोटर भी नाराज होता है तो पार्टी को नुकसान होता है। आप एक तरफ बोल रहे हो कि मैं मेरे समर्थकों के साथ शमशेर खरकड़ा का विरोध करूंगा, तो फिर कैसे पार्टी आ गई? नहीं, फिर ये शमशेर खरकड़ा को नहीं देखना चाहिए था, 10 साल वो रहे विधायक, उनको दर्जा मिला, तो ये जिम्मेदारी क्या मेरे अकेले की है, उनकी भी तो है, उन्होंने जो उनका जो व्यवहार रहा, आचार व्यवहार रहा, उन्होंने कंट्रोवर्सी की, उनकी तरफ से शुरू हुई, अब ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे मैं होने भी नहीं दूंगा, और जो कार्यकर्ता वो भी नहीं होने देंगे। सारी की सारी गलती शमशेर खरकड़ा की है, उनकी उनकी तरफ से शुरुआत हुई, अब पूरी सर्च कीजिए, पूरी डिटेल लीजिए, तब आपको पता चलेगा इसमें दोषी कौन है। अच्छा जी, अजीत जी, क्योंकि चुनावों का समय, अब मैं नहीं चाहता कि आपके मन में जो है वो मन में ही रह जाए, आप अपनी बात सामने रखना चाहते थे, हमारे पास फोन आया, हम फिर से आपके पास आए। बहुत सारे आपके ऐसे साथी थे, समर्थक थे, उनका मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपके साथ आए और खुलकर जो है सबने विरोध किया, पूरा संगठन आप लोगों के साथ दिखाई दे रहा था, आपको नहीं लगता वो संगठन सारा का सारा फिर से आपको अकेला छोड़ के चला गया, और आज उसी का ये कारण है कि आज आप अपनी जगह अकेले हो। सबसे बुरा अगर कोई बना तो अजीत अहलावत बना, लेकिन दूसरे लोग आज भी वहीं उसी जगह। नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है, वो जिसको एक अलग परिस्थिति में जाना होता है, एक अलग से जो कुछ करना है, उसको ये चीजें झेलनी पड़ती है, और वो मेरे साथ है, सब कुछ साथ है, जिनकी बात ये कर रहे हैं वो सब मेरे साथ है, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि टिकट मिले ना मिले, लेकिन जो गलत है मैं भाजपा में हो रहा है उसको, उसकी आवाज़ उठाना गलत नहीं है, ये जो पार्टी है हमारी, हमारी माँ है,
और उसकी भलाई के लिए आवाज उठा कोई गलत नहीं है। अभी आपने बोला था कि ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए मैं बार बार ये आज आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं बनती। अगर कुछ पार्टी के अंदर किसी हलके के अंदर गलत हो रहा है तो वो समर्थक वो नेता कहाँ है जिनके साथ आप रात दिन बोल रहे हो कि मेरे साथ भी, वो दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो दिखाई देंगे तो मजबूती से आवाज उठेगी। अभी जस्ट मेरे ख्याल 15-20 दिन पहले मीटिंग हुई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सभी साथ में हैं और सभी का एक ही विचार है। अब समय आ गया कि बंद कमरे में हुई मीटिंग का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अगर आप विरोध कर रहे हो, वाकई आपका विरोध सही है, तो कुछ समर्थक और जो नेता अगर टिकट के खिलाफ है, नहीं चाहते, तो क्यों ना खुल के अब अपनी ताकत दिखाओ। ऊपर हाईकमान में भी बात है, हाँ अगर वाकई में उन्होंने टिकट वहां दे दी तो बहुत कुछ जो है गलत होने वाला है। नहीं देखिए, हो सकता है कि वो तो साथियों से विचार विमर्श करना पड़ेगा कि मीटिंग अरेंज की जाए तो आपको सूचना मिल जाएगी, तो मैं भी चाहता हूँ कि मीटिंग हो। अगर परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हुई तो मैं आपको एक बात बताऊँ, सब पूरे के पूरे कार्यकर्ता अब मेरे सभी साथी संपर्क में हैं, और वो आप ये मत मानिए कि मैं पूरी जो सिचुएशन बनी है ये विरोध की, ये लगातार 3-4 साल से बनी है, और बनने के बाद जो मामला हुआ है कि मैं आप कार्यकर्ताओं की पार्टी की बात छोड़िए, मेरी बात भी छोड़िए, आम जनता में आप सर्वे करके देख लीजिए, उनमें भी शमशेर खरकड़ा का विरोध है। पार्टी की तरफ से ऐसा कोई सर्वे नहीं होता कि हाँ ऊपर हाईकमान में बात की नहीं है, कई बार हुआ है तो ये वैसे तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अजीत जी आज मैं अगर खुल के कहूँ तो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे टिकट फाइनल होने से पहले ही कहीं ना कहीं जो हताशा आज दिखाई दे रही है वो हमने कभी नहीं सोचा था कि वो जीत अलावत जो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आया है, आज उनके चेहरे पे इस तरीके की हताशा देखने को मिलेगी। नहीं, कोई हताशा नहीं है, तो चलता रहता राजनीति में, और बड़े बड़े लीडर हम तो अभी उस प्रोसेस से गुजरे भी नहीं है। टिकटें भी कटती हैं, मुख्यमंत्रियों की टिकट भी कटती हैं, केंद्रीय मंत्रियों की टिकट भी कटती हैं, आज वो पूरी जिंदगी निकल जाती है जहाँ मैं पहुँचना था तो वहाँ तक, तो अभी तो बहुत समय है। मैं कभी हताश निराश हो ही नहीं सकता। आप मेरी पिछली जिंदगी देख लीजिए, स्पोर्ट्स की जिंदगी देख लीजिए, बहुत लंबा, तो वो हताशा निराशा की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो जी जी। गर्मी का थोड़ा मौसम है इसलिए पसीने महम हल्के के अंदर जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। जो राजनीतिक यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनको जाके देखना चाहिए था। आप दूर क्यों जाते हैं, हम जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ से नाला शुरू होता है अपने नंबर स्टैंड तक, इसका कभी ये बना ही नहीं, और कभी बना तो पता नहीं कितनी बार क्या हुआ है, परेशान है पूरे लोग। इसी तरह जो मैम के तालाब ये खत्म हो गए, सरकार से गारंटी, पता नहीं क्या वो पैसे का क्या मैनेजमेंट हुआ, क्या मामला रहा, तो इस तरह का जो वातावरण बना ना वो एक गलत रहा, तो इसको सुधार सकते थे राजनीतिक जो प्रतिनिधि, लेकिन नहीं सुधार पाए, तो उसका खामियाजा ये आप जो बात कर रहे हैं वो है। मुझे ज्यादा चिंता तो इस बात को लेकर के है कि जो डाउनफॉल लगातार ये लोग कर रहे हैं, अब दो चुनाव लड़े हैं, तो अपने ठीक है भाई, और कौन लड़े उसकी मदद करे, ये तो त्याग कर नहीं सकते, त्याग दूसरे कार्यकर्ता करे, तो इस प्रकार की जो उनकी भावना रही ना उसी का परिणाम है जो ये आज ये हालात पैदा हो गए। मेरा टारगेट मैं आपको आज बता देता हूँ, बहुत ऊंचे लेवल का मेरे माइंड में है, और मैं कभी उसको मिस नहीं करूँगा, अगर मैं जिंदा रहा तो उसको अचीव जरूर करूंगा। अच्छा, लोग जो है टिकट ना मिलने पे पार्टियां छोड़ देते हैं, दल बदल लेते हैं, अजीत अलावत को भी कभी ऐसे देखने में मिलते? नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। जिए भाजपा में, मरेंगे भाजपा में, यही रहना, मातृ संगठन से बहुत कुछ सीखा है। अजीत अलावत जब मरेगा तो भाजपा में मरेगा। तो दोस्तों, चुनावों का दौर है, बढ़ चढ़ कर जो अपनी हिस्सेदारी दीजिएगा, कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हो, और महम हल्के से खासकर जितने भी कैंडिडेट है भाजपा के अंदर उनमें से किसको देखना चाहते हो। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।